कर लिया। दिन था संडे का और ऑब्वियसली हम लोग को कहीं ना कहीं घूमने तो जाना ही था, लेकिन सुबह से मौसम में इतने उतार चढ़ाव थे, कहीं पर इतने घने बादल थे ऐसा लगता था कि बहुत तेज़ बारिश हो जाएगी, और कहीं पर इतनी तेज़ धूप कि बॉडी में चुनचुनी सी हो रही थी। और ये सब देखते देखते हम लोगों का फाइनली प्लान बन गया और हम लोग निकल गए नारगोल बीच घूमने के लिए। नारगोल बीच के जो रास्ते हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि बीच में काली रोड है और राइट और लेफ्ट दोनों साइड में पूरी ग्रीनरी है। बहुत खूबसूरत रास्ते थे, कहीं कहीं रास्ते जो थे वो थोड़े बहुत ख़राब थे, बाकी मैक्सिमम रास्ते जो थे वो बहुत अच्छे थे। और फाइनली ये सब बात करते करते हम लोग पहुंच गए नारगोल बीच के गेट के पास। एनीवेज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इमॉर्टल जर्नी। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं नारगोल बीच और अब यहाँ पर जाएंगे बीच के पास। यहाँ का बीच थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट कह सकते हैं, इसके पहले जहाँ गए थे हम लोग दमन के पास जो बीच में गए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर सर एक साइड में समुद्र है तो दूसरे साइड में मैनमेड फॉरेस्ट है। तो फिलहाल आ गए थे हम लोग ऑलमोस्ट बीच के पास में ही। तो थोड़ा सा बीच पे जाने से पहले ये होगा थोड़ा सा कुछ नाश्ता टाइम पर कर लिया जाए। तो हम लोगों ने फाइनली ऑर्डर किया वड़ा पाव और हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है। तो यहाँ पर अभी जाएंगे, गाड़ी लेकर अंदर भी जाएंगे। फिलहाल वड़ा पाव ऑर्डर किया है तो वड़ा पाव पहले खा लेते हैं। तो हम लोगों ने जो वड़ा पाव ऑर्डर किया था वो आ गया है और दो दो वड़ा पाव, चार लोग हैं तो दो दो वड़ा पाव सबके लिए। तो फाइनली गाइज वड़ा पाव खाकर निकल चुके हैं। ये मैनमेड फॉरेस्ट देखिए, एक लाइन से सीधे पेड़ लगे हुए हैं तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे ये देखने में। तो सामने रहा विशाल समुद्र और एक साइड में मैनमेड फॉरेस्ट जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। और थोड़ी बहुत पब्लिक भी आई थी, ये बहुत अच्छी बात थी कि भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, नहीं तो बीच पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है तो फिर मज़ा नहीं आता है, तो ये बहुत अच्छी थी। दूसरा जो इसका एक सबसे ख़राब बात थी इस बीच की कि यहाँ पर लोगों ने इतनी गंदगी मचा के रखी थी, इतना ज़्यादा कचरा फैलाया था, हर जगह कचरा, जंगल में कचरा, बीच के पास कचरा, इवन जहाँ तक पानी आता है वहाँ पर भी कचरा, पूरा हर जगह कचरा कचरा फैला कर रखा था। तो ये देखकर तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार। आप कहीं पर भी अगर जाते हो, इवन अपने घर पर रहते हो तो वहाँ पर भी अपना साफ़ सफाई का ध्यान रखो, कचरा बिल्कुल मत फैलाओ कहीं पर भी। आप देख सकते हैं सामने बीच में पूरा कचरा ही कचरा फैलाया हुआ है लोगों ने, तो प्लीज़ यार ऐसा मत किया करो। जो नेचर है वो नेचर को वैसे बने रहने दो, उसी में वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और आपको भी अच्छा लगेगा। तो फिलहाल ये जो जंगल है, ये जंगल बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो काफ़ी देर इसको एंजॉय करते हैं, आप भी साथ में एंजॉय करिए। बहुत देर से एक केकड़ा था जो कि बार बार बाहर निकल रहा था, तो हम उसकी फुटेज कैप्चर करने के प्रयास में लगे हुए थे जो कि बहुत थोड़ी सी आई, एक सिर्फ एक सेकंड की, क्योंकि वो बार बार बाहर आ ही नहीं रहा था। Don't wanna go.
दिखाइए भैया। किसका पति? आपका पति? आपके जीजा? जीजा कभी बोली नहीं हो? चलो भैया कंपटीशन। पहले मैं वीडियो में एक गवाही देना चाहता हूँ कि मेरे कंपटीशन में नहीं चलना है। अगर इनको कुछ भी होता है तो रिस्पॉन्सिबल खुद होते हैं। आप रिस्पॉन्सिबल खुद होंगे ना? बोल नहीं रहा लेकिन उनके मन में कुछ ऐसी फीलिंग है। चलो भैया देखते हैं। चलो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो जीता भाई सिकंदर जो जीता भाई सिकंदर। रोहित शेट्टी को भेजा जाए। रोहित शेट्टी हो जाएंगे कामयाब तो उसमें क्या है। तो गाइस स्लो बाइक राइडिंग का कंपटीशन खेलने के बाद फिर हम लोग निकल पड़े आगे की ओर, जहाँ पर हम लोग को दिखा एक भुट्टे की शॉप, वहाँ पर हम लोग आ गए भुट्टा बनवाने के लिए। भुट्टा मतलब ऐसी जगह पर यार गए और भुट्टा देखकर ना खाए तो फिर काहे को गए, बिकॉज भुट्टा एक मतलब अल्टीमेट चीज़ है यार, जिससे पेट भी भर जाता है और टेस्टी भी होता है। तो फिलहाल भुट्टा बन जाता है, खा लेते हैं और फिर निकलते हैं। भुट्टा खाने के बाद फिर हम लोग आ गए थे ये एक रेस्टोरेंट पे, यहाँ की चाय, और यहाँ पर हम लोगों ने खाया था मंचूरियन जो कि बहुत टेस्टी था। तो खा लेते हैं। ठीक है खाने में? ठीक है, कैसा है, खा सकते हैं? पक्का अच्छा है? कच्चा है? अच्छा है, तो मुझे लगा कच्चा है। मैं मंचूरियन को अच्छा नहीं बोलता, लेकिन ये वाला अच्छा। अरे कहाँ भाग रहा है? अरे अरे आ गए पकड़ने। ठीक है खाया जा सकता है।
तो गाइस खाने पीने के बाद हो गई थी रात और हम लोग निकल पड़े घर की तरफ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो मिलते हैं कल एक नए फ्रेश व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।